तो गाइस आप देख सकते हैं दिन की शुरुआत आप महादेव को देख के कर सकते हैं। आज का व्लॉग महादेव को देख के स्टार्ट किया जाएगा सुबह का समय। सो गाइस आप लोग भी भगवान को नमस्ते करके आप दिन का स्टार्टअप करें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को विश कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर गाइस, और आप लोग इस साल पूरे खुश रहें और आपका साल बहुत ही अच्छा जाए। सो गाइस आज दिन की शुरुआत करता हूँ। आज मेरे को जाना है थोड़ा सा मार्केट, एक्चुअली मम्मी का फास्ट है तो मेरे को थोड़ा सा फ्रूट्स लेना है। चलते हैं मार्केट की तरफ, जो भी सीन होता है गाइस मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज आप वीडियो में बने रहें। अगर आपने मेरी और भी वीडियोस को चेकआउट नहीं कराया गाइस तो प्लीज आके चेकआउट करें। समोसा चैलेंज और जोरो चिप्स चैलेंज अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज जाके वो वीडियो चेकआउट करें, आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। आगे वीडियो की तरफ देख सकते हैं गाइस, आज मौसम कितना मस्त मौसम किया है गाइस। आज एकदम धूप नहीं निकला है बाहर और मौसम एकदम हल्का कुहासा वाला फॉग वाला मौसम है हल्का हल्का। क्या मौसम है गाइस, मैंने अपनी गाड़ी भी यहाँ खड़ा किया है। अभी मेरे को जाना है बाहर मार्केट, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं राम लखन मिष्ठान भंडार के पास हूँ। आप देख सकते हैं इनका शॉप, ये तीसरा शॉप है इनका और ये जस्ट सब्जी मंडी जो यहाँ पे है देख सकते हैं गाइस, सब्जी मंडी के जस्ट सामने में है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी और सब मिठाई है गाइस, देख सकते हैं। दीजिए 250 ग्राम। सो गाइस देख सकते हैं इनके पास और भी बहुत सारा स्वीट्स है 14th Feb के लिए। आपके पास और भी यहाँ पे देख सकते हैं मिठाई है, ये बेसन के लड्डू, मोतीचूर लड्डू और जो भी है मिठाई आप अगर लेना चाहते हो गाइस तो रामलखन मिष्ठान भंडार पे आ सकते हैं। ये भैया यहाँ पे शॉप में रहते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये मिठाई अभी बनी हुई है, ताज़ा है, फ्रेश है। अगर आपको लेने का मन है तो जस्ट सब्जी मार्केट के सामने में इनका शॉप है, तीसरा शॉप। दो शॉप मैंने दिखाया था आपको गाइस, ये तीसरा शॉप है, यहाँ पे भैया ही बैठे रहते हैं। अगर आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो मिठाई वगैरह समोसा जो भी आपको लेना हो आप इनके पास से ले सकते हैं। ऑर्डर पे भी आप इनको बोल सकते हैं, ये ऑर्डर पे भी आपको अप्लाई कर देंगे। सो लेते हैं फटाफट। सो गाइस देख सकते हैं मैंने अपने पेड़ा को ले लिया है, 250 ग्राम मैंने पेड़ा लिया है। सो पैसा लेते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से। सो भैया मैं फिर आपको दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ पे ये भैया रहते हैं, ये इनका शॉप है। यहाँ पे समोसा वगैरह, जलेबी वगैरह आपका ये देख सकते हैं, छोला भटूरे वगैरह सब बनता है गाइस। आप अगर लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हैं, एकदम फ्रेश मटेरियल निकलता है यहाँ से। समोसा वगैरह, वेजिटेबल चॉप भी आप देख सकते हैं, जस्ट सब्जी मार्केट के सामने में है गाइस, देख सकते हैं। सो चलते हैं अभी। तो बंटी आर्डर क्या प्लान है आज का, क्या प्रदीप कहाँ चला दोस्त? हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कुछ बताओ हैप्पी न्यू ईयर का क्या प्लान है? प्लानिंग यही है, हमारे बगल में गोविंद पहाड़ है, बस वगैरह होगा और वहीं पे बस चिकन वगैरह कोविड को देखते हुए मटन है प्लस डीजे भी है। ओ भाई साहब, चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय गुड, चलो बंटी चलते हैं तब। गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पे अभी एप्पल लेने आया हूँ, ये अंकल के पास भी है, फ्रेश फ्रेश आइटम यहाँ पे है। आप देख सकते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो आप सब्जी मार्केट के बगल में इन अंकल का शॉप है, आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। फ्रेश फ्रेश देख सकते हैं अमरूद है बड़ा बड़ा, चीकू वगैरह और भी बहुत कुछ है आप देख सकते हैं गाइस। मैंने आपको दिखाया सो हम जस्ट सब्जी मार्केट के बगल में है ये दुकान, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन अंकल के शॉप पे आके ले सकते हैं। सो अंकल कितना हो गया? 65 रुपया। देख सकते हैं यहाँ मैंगो वैंगो ये सब भी है। तो गाइस हमने अभी जस्ट सारा सामान ले लिया है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे सारा सामान हमने ले लिया है और हम लोग अभी घर जा रहे हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या क्या होता है गाइस। सो गाइस देखा आपने कच्चा बादाम, देखिए वहाँ कच्चा बादाम है। अमर गाचे नाचे कुछ गदा बादाम, कच्चा बादाम बाबा कच्चा बादाम। देख सकते हैं गाइस चिकन लेने के लिए इतना भीड़, बिरयानी यहाँ मिलता है गाइस,
ये रास्ता चला था डुमरिया का, हम लोग का भी रास्ता जाता है डुमरिया का, बट ये यहाँ विश्राम है। और इसी के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम। और ये चौक का कुछ ऐसा नज़ारा है, शांत है बिकॉज ठंडा का माहौल है अभी, और कोविड को देखते हुए भी सब सेपरेटली। और सो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं। ओ गेट खुला। तो गाइस देख सकते हैं घर का आज हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल 2022 सबको शुभकामना मेरे तरफ से, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, तो गाइस हम लोग आज हैप्पी न्यू ईयर का पार्टी सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे रिलेटिव में समथिंग एक किसी का डेथ हो चुका है, जिस कारण से हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं गाइस, कैजुअली हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, स्पेशल वीडियो नहीं है, बट आज न्यू ईयर का था तो सोचा मैं बना लूं 1 जनवरी का। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है वीडियो प्लीज कमेंट करें, और उतना हो सके उतना शेयर करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।